नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के चलते अपने माँ बाप या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन के उद्देश्य से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के तहत प्रदेश भर से चिन्हित 4050 अनाथ बच्चों के अभिभावकों को बैंक खाते में प्रतिमाह 4000 रुपए के हिसाब से 3 महीने का 12-12 हजार रुपए भी ट्रांसफर किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें भी योजना में शामिल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। वो यहां सैनिक स्कूल की आधारशिला रखने के साथ ही शनिवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारी जांचने के लिए देवरिया और सिद्धार्थनगर भी जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, मगर प्रशासन ने अपनी कई तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम की घोषणा करेगा। प्रत्येक वर्ष मेरिट सूची के आधार पर टॉपर्स को छात्रवृत्ति और कई अन्य लाभों से सम्मानित किया जाता है। हालांकि इस साल बोर्ड टॉपर्स की मेरिट सूची जारी नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेधावी छात्रों को इन लाभों से वंचित हो सकते हैं। शासन ने बृहस्पतिवार देर रात 7 IPS अफसरों के तबादले कर दिए, जिसमें 4 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज और हमीरपुर जिले में नए कप्तानों को तैनाती दी गई है। यशवीर सिंह को सिद्धार्थनगर का, रवि कुमार को जालौन का, बोत्रे रोहन प्रमोद को कासगंज का और कमलेश कुमार दीक्षित को हमीरपुर का नया SP बनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के 26 विभागों की टीम घोषित की है। तरुण कांत त्रिपाठी को मीडिया संपर्क विभाग का संयोजक और नवीन श्रीवास्तव को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक सूर्य कुमार शुक्ला को सुशासन एवं केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग का संयोजक नियुक्त किया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपी के संबंध में पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त और पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके आधार पर आरोप तय कर चार्जशीट लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस ड्रोन के गिरने पर 5 किलो IED भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर मारा गया है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के इस्तिनबोल्डक जिले में कथित तौर पर 100 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय हिंसा व हत्याओं की इन घटनाओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार मान रहा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% बॉर्डर इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते तालिबान ने इस्तिनबोल्डक जिले पर भी हमला किया था। भारत की युवा पहलवान तनु ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तनु ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंक गवाए बिना 43 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम किया। वहीं प्रिया ने बेलारूस की सोनिया पोटापोविच को 5-0 हराकर 73 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीता। कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान सांकेतिक होगा। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ही सांकेतिक रूप से पूजन कर स्नान करेंगे। हालांकि 72 घंटे पूर्व की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाने पर गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की अनुमति दी गई है। निगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे, लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। हरकी पैड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।